हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है ये न्यू लेटेस्ट टोयोटा ग्लांजा, जो आज हम लोग इसमें पूरा इंस्टॉलेशन करने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम और ये जो टॉप वेरिएंट का जो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं विदाउट वायरिंग कटिंग, तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 9 इंच एंड्रॉयड के लिए आपको यहाँ पर डमी पीस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। और ये वाला जो फाइबर जो हम लोग जो खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग विदाउट पेचकस से हम लोग खोलने वाले हैं, ताकि ये डैशबोर्ड पर स्क्रैचेस ना आए। बाकी जो ग्लांजा के हम लोग जो ग्लांजा में हम लोग जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ये है हमारा ये एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहता है हमारा ऑटो एंड्रॉयड कार, ये कार प्ले है। और ये आपका ये DVR भी रहता है, और इसमें आपको 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और ये आपको 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी में मिल जाता है। और ये है हमारा JBL का है, ये कॉक्सियल स्पीकर है। और ये रहता है आपका 350 वॉट रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहता है हमारा 6.5 इंच का स्पीकर रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें भी आपको 1 साल की गारंटी मिलती है JBL स्पीकर में। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ग्लांजा के अंदर हम लोग ये जो 9 इंच एंड्रॉयड फ्रेम लगा रहे हैं, ये आपका ब्लैक पियानो फिनिश रहता है। और ग्लांजा के अंदर भी इंटीरियर में आपको ब्लैक पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। और ये रहता है जो हमारी जो मेन जो गाड़ी का जो सॉकेट रहता है जो एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम का, ताकि हम लोग कोई गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सॉकेट टू सॉकेट हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। जो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्पीकर में हम लोग ये वाली जो रिंग लगाने वाले हैं, ये वाली रहती है हमारी स्पीकर रिंग रहती है। ये स्पीकर रिंग लगने से काफ़ी बढ़िया साउंड आता है, और जैसे हम कभी डायरेक्ट लगा देते हैं तो इसमें बॉडी में वाइब्रेशन नहीं आता है। और ये फर्स्ट आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम में आपको एसेसरीज़ में क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये है, ये आपका मेन यूनिट है ये 9 इंच एंड्रॉयड का, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज है। और ये आपका IPS डिस्प्ले प्लस रहता है, और इसमें आप 8K प्लस वीडियो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। और ये रहता है आपका GPS एंटीना, जो हम मैप चलाते हैं ये उसका एंटीना है। और इसमें 2 USB सॉकेट मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एसेसरीज़ में एंड्रॉयड के। और इसमें जैसे हम कभी बेस ट्यूब लगाते हैं तो ये इसका सॉकेट भी मिलता है। और ये वाला जैसे हम कभी बैक कैमरा लगाते हैं तो ये बैक कैमरे की लीड रहती है। और ये रहता है हमारा एक्सटर्नल माइक रहता है, तो आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। और ये है हमारा टॉप वेरिएंट का है ये, यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल। और ये जो स्टिच रहता है ये पूरा फुल लेदर स्टिच रहता है। और इसमें आपको देख सकते हैं इसमें आपको सिल्वर फिनिश में आपको इसमें स्टीयरिंग में इसमें आप पार्ट लगा हुआ देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाते हैं, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग रहती है इसकी। और इसमें आपका बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट ये आपका ये इंस्टॉल हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये है इसका हब आता है, इसके साथ ही हब आता है स्टीयरिंग व्हील के साथ, ये जो हब आता है ये बगैर हब के लगता नहीं है। और ये पूरा जो ओरिजिनल जेन्युइन है ये टोयोटा का, यहाँ पे देख सकते हैं। और बढ़िया तरीके से ही इसका ये फिटमेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड को खोलने के लिए हम पेचकस का यूज़ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ये जैसे हम कभी खींचते हैं तो बिल्कुल हाथ से बिल्कुल आसानी से ये निकल जाता है। हम जैसे कभी पेचकस लगाते हैं तो ये फाइबर पे स्क्रैचेस आते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ऊपर का जो फाइबर रहता है, ये वाला जो हमारे पास जो फाइबर की जो टूल्स है, ये वाला जो येलो टूल्स है, इससे ही हम लोग खोलते हैं, ताकि ये डैशबोर्ड पर स्क्रैचेस ना आए। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इस टाइप से आपका जो है ये ऊपर का फाइबर खुल जाता है। और यहाँ पे 2 स्क्रू रहते हैं और 2 सामने 2 स्क्रू रहते हैं। तो ये वाले जो 4 स्क्रू है, ये वाले हम लोग अभी खोलने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं ये वाले जो फाइबर्स का टूल है, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। और यहाँ पे 1 स्क्रू और वहाँ पे 1 स्क्रू रहता है, ये आप ये देख सकते हैं। ये 2 स्क्रू खोल लेंगे हम यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल सावधानी से खोलना रहता है। जैसे कभी इस पर कभी डैशबोर्ड पर स्क्रैचेस आते हैं तो ये आसानी से नहीं जाते हैं, वो डैशबोर्ड पर काफ़ी और बहुत सही नहीं लगता वाला स्क्रैचेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके 2 चारों स्क्रू खुल चुके हैं,
और ये बिल्कुल आसानी से आपका ये जो ये यहाँ पे जो एंड्रॉयड का जो जगह दिया हुआ रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला बिल्कुल डमी पीस ये हमने निकाल लिया है। और इसमें आप जो कंपनी रहती है, कंपनी यहाँ पे आपको ये म्यूज़िक सिस्टम का ये जो सॉकेट देती है, और आप देख सकते हैं ये वाले जो फ्रेम के साथ जो सॉकेट आया हुआ है, और ये एंटीना कोड भी साथ में आती है इसके, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इजीली फिटिंग हो जाती है इसकी। इसके अंदर गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है, जैसे कभी शोरूम वाले बोलते हैं कि जैसे आप कभी आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं तो आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है, तो हम लोग वो काम बिल्कुल नहीं करने वाले, बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। और जो स्पीकर भी हम लोग लगाएंगे वो भी बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी वायरिंग हो चुकी है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी है। और यहाँ पे स्पीकर पे आपको यहाँ पे एक फोम की सीट दी हुई रहती है, तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस टाइप से कटर से हमें काट लेना रहता है, जो ये वाला हम कभी पूरा फाड़ के फेंक देंगे तो जैसे हम कभी डायरेक्ट बॉडी पे भी कसते हैं तो ये जो वाला या वाला जो फोम की जो सीट रहती है वो स्पीकर को वाइब्रेट होने नहीं देती है। और ये आप देख सकते हैं ये आपका स्पीकर का सॉकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो फोम की सीट काफ़ी बढ़िया रहती है। और ये आप देख सकते हैं ये वाला जो या जो सॉकेट के अंदर से हमने ये वाली जो क्लिप निकाल ली है, और ये हमारी स्पीकर रिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लगाने के दो फायदे हैं आपका, तो एक स्पीकर आपका पानी से भी बचता है, और जैसे आप कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपका ये जो गेट से मतलब टकरा के ये वाइब्रेट भी आपका गेट नहीं करता है, तो ये मतलब कि दो चीज़ों से आराम से अपना स्पीकर बच जाता है। और क्या पानी की क्या कंपनी पानी की गारंटी भी नहीं देती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर पे दो क्लिप दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाले जो हमने जो सॉकेट के अंदर जो हमने जो क्लिप निकाले थे, ये क्लिप बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वाले जो क्लिप है आपके स्पीकर के क्लिप में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा स्पीकर भी कस चुका है, और आपकी ये जो रिंग है फाइबर की, ये फाइबर की रिंग भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी हमारा सॉकेट लग चुका है एंड्रॉयड म्यूजिक का, और ये भी हमारा राइट का भी हमारा जो फोर डोर के पूरे सारे स्पीकर हमारे बिल्कुल कनेक्शन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इसमें आपको नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील रहता है, तो इसमें हम लोग टॉप वेरिएंट का हम लोग इसमें स्टेयरिंग व्हील लगाने वाले हैं। तो ये वाला जो स्टेयरिंग व्हील खोलने से पहले हमें जो बैटरी का जो ये वाला जो प्लस वाला जो ये वायर रहता है इसको हमें खोल लेना रहता है, ये आप देख सकते हैं, ये इसको खोलना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग कभी इसको नहीं खोलेंगे, वो डायरेक्ट हम लोग कभी स्टेयरिंग का जैसे हम लोग कभी एयरबैग निकाल देंगे तो वहाँ पर मीटर पर शाइन मतलब कि चेक लाइट वो आ जाती है, तो जैसे हम कभी बैटरी का वायर निकालते हैं तो बिल्कुल भी चेक लाइट नहीं आती मीटर पे। जो ये वाला जो एयरबैग है, जो एयरबैग को किस टाइप से खोला जाता है, ये यहाँ पे आपको तीन जगह दी हुई रहती है, यहाँ पे तीन जगह होल दिए हुए रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो हम लोग लगाने वाले हैं टॉप वेरियंट का, ये वाला हमारा जो एयरबैग निकल चुका है, और जो एयरबैग का जो सॉकेट है किस टाइप से खोला जाता है ये आप ये देख सकते हैं। ये वाली जो येलो कलर का जो लॉक है इसे हमें ऊपर करके ये वाला जो बिल्कुल आसानी से ये निकल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एयरबैग का, और जो हॉर्न का जो क्लिप है वो बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। और यहाँ का जो बीच का जो नट बोल्ट है इसे हम लोग खोल लेंगे, और जो एयरबैग जो कैसे निकलता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली जो स्प्रिंग रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो लॉक स्प्रिंग रहती है, स्पीकर का जो पेचकस का माइनस लेके हमें इसको जस्ट अपोजिट साइड इसको धकाना रहता है, और ये बिल्कुल आसानी से आपका ये एयरबैग बिल्कुल बाहर निकल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे तीन जगह पे आपकी ये जो स्प्रिंग लॉक दी हुई रहती है, और ये आपका एयरबैग बिल्कुल आसानी से बाहर निकल आता है। और ये वाला जो नट बोल्ट है इसे हम लोग अभी निकालने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है इसमें। और ये हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है ये बिल्कुल आसानी से निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं।
जो हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो टॉप वेरिएंट का जो हब है, ये है, ये हम लोग अभी लगाने वाले हैं इसमें। टॉप वेरिएंट वाला हब हम लोग इसमें लगाने वाले हैं, और आप देख सकते हैं ये वाला हब हम लोग अभी लगाएंगे इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा ओरिजिनल रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लॉक रहता है, ऊपर एक लॉक रहता है और यहाँ पे एक लॉक रहता है। और आप देख सकते हैं किस टाइप से हब, ये हब निकल जाता है, ये बिल्कुल, ये तीन लॉक रहते हैं। और इसको हब निकालने से पहले इनके जो सॉकेट रहता है, सॉकेट निकालना नहीं रहता, ये जो हब के नीचे ये की वाली जो कैप रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कैप निकालना रहते हैं, उसके बाद में ये दो सॉकेट निकाल देंगे हम। और आप देख सकते हैं ये वाला टॉप वेरिएंट वाला हब है, और ये जो कैप हमने निकाली थी, जो इसके इसके पीछे हम लोग अभी वैसे वैसे जो एज ए डी सी है फिट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लॉक टू लॉक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये आपका हब बैठ जाता है। और दो सॉकेट हमने निकाले थे, वही के वही ये एज ए डी जाके ये फिट हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और वही वाले तीन लॉक पे ये जाके फिट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल फिट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर। और बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट रहता है, यहाँ पे भी एक लॉक है और लॉक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और गाड़ी में भी कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है। ये वाला आपका जो पुराना वाला हब निकल के, ये वाला जो टॉप वेरिएंट का हब, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो स्टेयरिंग व्हील है हम लोग अब इसमें लगाने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको भी बिल्कुल बड़ी सावधानी से लगाना रहता है, क्योंकि इसकी जो थ्रेड रहती है, थ्रेड मिला के हमें लगाना रहता है, जिससे आप कभी एकदम से लगा दोगे तो ये उल्टी थ्रेड चढ़ जाएगा, तो इसकी जो शाफ्ट रहती है वो ख़राब हो जाती है। और जो स्टेयरिंग अपन जो बिल्कुल सीधा करके लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है, तो ये बिल्कुल सावधानी से इसको बिल्कुल लगाना रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा स्टेयरिंग व्हील लग चुका है, और इसका जो सॉकेट है, जो हब का, जो हमारे स्टेयरिंग व्हील के अंदर ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट रहता है, इसमें कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये लग चुका है। और ये वाला बोल्ट हमने कस दिया है बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पीछे का फाइबर भी खोला था, और ये भी हम लोग अभी लगाने वाले हैं। और जैसे हम कभी हेडलाइट का फर्स्ट पॉइंट खोलते हैं पार्किंग का, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो स्टेयरिंग व्हील के अंदर भी आपका ये लाइट ऑन हो जाती है, जैसे लाइट आपकी जो कंपनी जो मीटर में देती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एसी विंड पे जो ऑरेंज कलर की लाइट जल रही है, वैसी की वैसी आपकी ये जो स्टेयरिंग पे भी आपकी ये जो ऑरेंज कलर की लाइट इसमें ऑन हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें डमी पीस में आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है, और इसमें हम लोग जो एंड्रॉयड जो फ्रेम लगा रहे हैं, ये वाला जो आपका जो हाई ग्लोसी फिनिश में रहता है, जो इसके जो एसी विंड है, हम लोग ये वाले जो हाई ग्लोसी फिनिश में हम लोग लगाने वाले हैं। और ये फिटिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपका, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काफ़ी प्यारा लुक आता है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हाई ग्लोसी फिनिश में। और ये आपका ये जो कंपनी देती है जो मैट ब्लैक में, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग रहती है इसकी। और ये है आपका AHD रहता है, ये आपका कैमरा, और ये रहता है हमारा ब्लॉकबस्टर का, और ये वाइड एंगल में रहता है, और ये हमारा फिशाई कैमरा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम कभी थीम ऑन करते हैं तो इसकी थीम काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लुक आता है। ये आपका ओडी मर्सिडीज़ में ये वाली थीम आती है, ये वाली थीम है जो हम लोग इसमें अभी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल हम लोग अभी लर्निंग करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने वॉल्यूम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये वॉल्यूम प्लस पे क्लिक टिक हो चुका है, ये वॉल्यूम माइनस पे टिक हो चुका है, और आपका ये मोड पे टिक हो चुका है, और ये आपका म्यूट, ये म्यूट पे भी टिक हो चुका है, और ये आपका नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पे भी टिक हो चुका है, प्रीवियस पे भी हो चुका है, और ये आपका आंसर, ये फ़ोन का आंसर कनेक्ट हुआ, ये इजेक्ट, ये अपना इजेक्ट पे भी हुआ, और ये वॉइस का
डिवाइस का भी हम लोग अभी कनेक्शन करने वाले हैं, लर्निंग हो जाएगा। तो इसका हमने किया हुआ है होम पे, इसमें वॉइस का ऑप्शन नहीं है, हमने इसको होम पे कर दिया। और आप देख सकते हैं इसमें आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका स्टेयरिंग व्हील वर्किंग कर रहा है, और हमने गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई, और आपका कोई वारंटी में भी कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम मोड चेंज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम में से मोड चेंज हो जाता है। और आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और इसमें आप 8K वीडियो भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है, और जैसे आप कभी रिवर्स गियर में डालते हैं तो ये आपको वाइड एंगल में आपका पूरा ये कवर करता है। और इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रहती है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया रहता है इसका। ये आपका एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम का, और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा जो स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल भी लग चुका है। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर कहीं से कहीं तक आपको स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेगा, और ये आपका जो इंटीरियर में जो ग्लोसी फिनिश रहता है उसी में आपका ये मैच हो जाता है आपका ये जो एंड्रॉयड फ्रेम। और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से जो सीट कवर भी हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, बिल्कुल इंटीरियर के अकॉर्डिंग किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बढ़िया तरीके से इसमें जो फिटिंग हो चुकी है, और इसमें हमने बिल्कुल डी फिटिंग करी है बिल्कुल सीट कवर की। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग बैक सीट की, और ये हेडरेस्ट की फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आपका सीट कवर ये हमारे पास कस्टमाइज हो जाता है।